हे गाइस वेलकम बैक टू अल्फाज एडिटिंग। और गाइस आज की इस वीडियो में करने वाले विजय मार की न्यू फोटो एडिटिंग जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिएटिव है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी फोटो एडिटिंग कर सकते हो पिक्सआर्ट के अंदर। तो बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको सिखाने वाला हूं, बस वीडियो को पूरा देखना। और लाइटरूम की ट्रिक भी अंदर में आपको बताने वाला हूं कि इस तरीके से हमने फेस को बराबर मैचिंग किया है उस बैकग्राउंड के साथ में, और बाकी जो भी है हम डिटेलिंग भी सीखने वाले वीडियो के अंदर। तो फिलहाल वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना यार। वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत की यार, चाहे वो 15 सेकंड का टिकटॉक क्यों ना हो यार, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करा और चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ओपन करेंगे पिक्सआर्ट, उसके बाद यहाँ पर से फोटो को ओपन करेंगे तो यहाँ पर से क्रॉपिंग पे जाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर वाला सीन है, ठीक है। अब फोटो को जूम कर लेंगे, हमको अपना आइज चाहिए खाली, हम लोग को अपना आँख चाहिए। तो जो कि अपने अपना आँख की आपको फोटो क्लिक करा रहे ना खाली हाफ फेस की HD वो भी, तो हम लोग इस तरीके से कुछ कर लेते हैं अपनी फोटो को, ठीक है। बराबर तरीके से हम लोग कर लेते हैं क्रॉप इसको पहले इस तरीके से, ओके। तो क्रॉप करने के बाद यहाँ पर से कर लेंगे राइट। अब राइट करने के बाद हमने जो PNG उसको क्रिएट किया था, PNG तो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अगर आपको PNG डाउनलोड करना है तो उनको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपल आप वहाँ से डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। सुन लो गाइस एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपल आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेना पर वीडियो को पूरा देखने के बाद। और अगर आपको नॉर्मली क्रिएट करना है तो वहाँ पर से आप लोगों को स्ट्रेच वाला ऑप्शन आता है पिक्सआर्ट में, आप वहाँ पर से भी अपनी आइज़ को इस तरीके से ड्रॉपिंग वाला इफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको जो है बाहर जो एरिया गया है उसको हम लोग रब कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग रब कर लेंगे बराबर तरीके से, बहुत ही इजी है गाइस, आप लोग इस तरीके से रब कर लेना अच्छी तरीके से अपने फोटो के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा ताकि मतलब रियल दिखेगा, ओके। रब करने के बाद तो एरिया बाहर जा रहा है उसको आप लोगों को बराबर तरीके से रब कर लेना है। और यहाँ पर से करेंगे डन, यहाँ पर से कर लेंगे राइट, ठीक है। अब राइट करने के बाद यहाँ पर से अगर आपको ओपेसिटी कम करना है तो आप ओपेसिटी कम कर सकते हो। तो हम बराबर तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं इसको ठीक से पहले, ठीक है। तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर से हम लोग कर लेंगे अभी राइट, ठीक है। तो एडजस्ट कर लेते हैं बराबर तरीके से, अब कर लेंगे राइट। फिर से जाएंगे ऐड फोटो पे, अब गाइस ऐड फोटो पे जाने के बाद यहाँ पर से और दो इमेज है यहाँ पर इस तरीके से, तो एक इसके इस तरफ लगाना है एक उस तरफ लगाना है, मतलब दोनों कॉर्नर पर लगाना है, एक बीच पर लगाना है, ठीक है। तो मतलब दो फोटो दो ही रहेगा, एक को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक वाला जो है इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बड़ा वाले को हम लोग कर लेंगे इरेज, जो बड़ा वाला लाइन है हम उसको कर लेंगे इरेज, ठीक है। इस तरीके से हम इरेज करने के बाद राइट कर देंगे, और जो छोटा वाला है इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग आइज़ के अंदर की तरफ से लगा रहे ताकि आँख के अंदर से ही निकल रहा है ये इफेक्ट जो आ रहा है, ठीक है। तो रियल लगेगा, हम लोग इस तरीके से कर लेंगे रब, ठीक है। अब रब करने के बाद यहाँ पर जैसे फोटो में हमारा बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही मस्त लुक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे, ऐड फोटो पे जाने के बाद फिर से जाएंगे वाले इसको PNG को ले आएंगे। अब बाकी जो है पहले जो हमने एक रब किया था अभी दूसरे वाले को रब करते हैं, देन इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से छोटा सा ऐसे रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। और यहाँ पर से करेंगे अभी राइट, ठीक है। अब राइट करने के बाद हम लोग जाएंगे ड्रॉ टूल पे, और ड्रॉ टूल पे जाने के बाद यहाँ पर से जाते हैं ड्रॉ टूल पे, और रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फोटो को कर लेंगे सेव हमारे गैलरी पे। तो अब ओपन करेंगे हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन। तो यहाँ पर से हमने ओपन करने के बाद हमने फोटो को ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो हम लोग ऑटो पे क्लिक करके ऑटो कर लेते हैं। यहाँ पर से हमें पहले एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी इसको, और कॉन्ट्रास्ट को कम कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो हमको पूरा वाइट चाहिए तो हम कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे पूरा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कम करने के बाद यहाँ पर से हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर शेडोज को तो इंक्रीज रखना ही है, वाइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। और बढ़ा भी सकते हैं आपकी मर्जी, मतलब जैसे फोटो में लुक आ रहा है वैसे आप लोग उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे बिगनर वाला ऑप्शन में, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कम करेंगे ज़्यादा नहीं, और विग्नेटी को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद हमारा फोटो जो है रेडी हो चुका है, तो बिफोर और आफ्टर जिससे देखिए कितना अंतर आ चुका है। तो हमें कर लेंगे फोटो को सेव। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप हमारे चैनल के नहीं हुए तो सब्सक्राइब करो, और बगल वाले बेल आइकन को दबाओ जरूर यार, क्योंकि आपको इसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।